हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन कीन। तो आज बनने वाला है सर्दियों का स्पेशल खाना। तो ये मेरे पास साग है मिक्स, इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और आप लोगों को बताती हूँ कि टेस्टी साग बनाएं और मक्के की रोटी बनाने का तरीका। तो चलिए मेरे साथ, ये मैंने वॉश करके रख लिए हैं और थोड़ा मेरा अलग तरीका है बनाने का। तो ये लहसुन अदरक और हरी मिर्ची है, मैं इसका पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा खुरदुरा। और उसके बाद देखिए, मेरा पेस्ट बन गया है। अब मैं अब कुकर रखूँगी और उसमें एक एक थोड़े थोड़े करके साग डालूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में साग है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पका के, और जो हमने ये चटनी बनाई है, मैं लहसुन मिर्ची और अदरक की, वो भी इसमें डाल देंगे। इससे ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हमारे साग का। तो देखिए, इधर मैंने पूरा कुकर भर दिया है और मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसे गैस पे चढ़ा दूँगी मैं अच्छे से। और ज़्यादा साग होने की वजह से कुकर मेरा छोटा पड़ गया, तो इसे मैं ढक ढक के अच्छे से पकाऊँगी। तो इसे देखिए, अब अच्छे से पका लेंगे ढक ढक के कुकर का ढक्कन लगाने के बाद। तो बस इसमें दो सीटी लगवा दूँगी मैं, और उसके बाद से इसे 3 से 4 घंटे तक मैं धीमी आँच पर घोट घोट के पकाऊँगी, जिससे कि पिसा हुआ साग हम मिक्सी में पीस लेते हैं उसका स्वाद अलग आता है, बट हम जो गैस पे धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाते हैं, पानी को उगलाते हैं, तो हमारे जो साग का टेस्ट है वो बहुत ही स्वादिष्ट आता है बन के निखर के, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने 3 से 4 घंटे तक इसे अच्छे से मिक्स करके पकाया था धीमी आंच पे, और इसमें मैं एक ट्रिक करूँगी ताकि मेरा थोड़ा बहुत जो साग का पानी बचा वो भी साफ हो जाए। तो इसमें मैंने बेसन लिया है 2 चम्मच और इसे अच्छे से घोल बना के, ताकि इसमें लम्स ना बने, ये मैंने अपने साग में ऐड कर दिया था, जिससे मेरे साग में जो थोड़ा बहुत भी पानी था वो भी बेसन की वजह से सब उसमें मिक्स हो गया था और मेरा साग एकदम गाढ़ा हो गया था। तो देखिए, इधर मैंने डाल दिया है साग में बेसन का घोल और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो देखिए, इतना अच्छा कलर आया है बेसन डालने के बाद, और मेरा साग भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसे भी हम 10 से 15 मिनट तक बेसन के साथ अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमें खाने में लगे ना कि हमने बेसन डाला है इसके अंदर, ये भी इसके साथ पक जाए अच्छे से। तो देखिए, इसे अच्छे से और घोट घोट के धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। जब तक हमारा ये साग पक रहा है, तो साग को छोंकने की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, पकता जा रहा है मेरा साग। तो देखिए, अब मैं साग के लिए, ये मेरे पास टमाटर है, ग्रीन चिली है, 7 से 8 मेरे पास छोटे मीडियम साइज़ में प्याज है, लहसुन है और अदरक है। इसे भी मैं अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, ताकि हमारे साग में इसके जो स्वाद है अच्छे से घुल के आए और पता भी ना चले कि हमने टमाटर प्याज से इसे अच्छे से छोंका है। तो देखिए, इसे मैं कट कर लूँगी और इधर मैं अपना साग भी देख लूँगी। तो मेरा साग अच्छे से देखिए हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से बस 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी, और उसके बाद इसे बंद कर दूंगी। और बंद करने के बाद, इसे हटाने के बाद, हम एक कढ़ाई रखेंगे। देखिए, मैंने कढ़ाई रख लिया, इसमें घी डाल लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच। इसे अच्छे से हम पकने देंगे। उसके बाद से मैंने जो लहसुन अदरक और मिर्ची छोटे छोटे काटे हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, मेरा तेल जब तक गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से। और तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद से देखिए, ये मैंने मीडियम साइज़ में छोटे छोटे प्याज कट करके रख लिए हैं, और टमाटर को भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और इसे अच्छे से देखिए, इधर मेरा लहसुन अदरक और मिर्च गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें अपने जो मैंने प्याज काटे हैं वो ऐड कर देंगे अच्छे से इसमें, और ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, और अब आंच को हम कम ही रखेंगे और अच्छे से इसे पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं, बस नरम होने तक पकाएंगे। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें नमक डाल दूंगी, ताकि प्याज अच्छे से जल्दी से गल जाए हमारे। तो मैं इसमें अब नमक ऐड कर दूंगी, अपने स्वाद के अनुसार आप लोग नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून बड़े
नमक ऐड कर दिया है इसमें। ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं पड़ते, बस मिर्ची और नमक ही पड़ता है इसमें, जिससे स्वाद अच्छा आए, हमारे जो साग का है स्वाद टेस्टी आए। तो देखिए और अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूंगी अपने तीखेपन के अनुसार, जिसे तीखा ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालें, जिसे नहीं पसंद है उस स्किप भी कर सकता है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे ही हमारे जो साग का कलर है ऐसे ही सुंदर निखर कर आएगा, अभी से कितना सुंदर निखर रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से गलने तक पकाएंगे। थोड़ा बहुत जो बचेगा उसे हम घोट घोट के पका लेंगे। तो देखिए अच्छे से इसे पकने देंगे। तो देखिए अच्छे से मेरा मसाला पक चुका है। मैं साग इसमें पहले एक से दो कलछुल डालूंगी धीरे धीरे, क्योंकि साग बहुत तेज उछलता है, इसलिए आराम से आप लोग भी बनाइएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, मैंने इसमें अपना सारा साग ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके और धीमी आँच पर इसे अच्छे से चला चला के धीमी आँच पर पकाएंगे। मैंने पहले ही जैसे बताया था, जितनी धीमी आँच पर पकाएंगे साग हमारा उतना ही अच्छा और सुनहरा बन के रेडी होगा। तो इधर देखिए, तो देखिए मैं चला के साग को अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूंगी मैं, और अच्छे से इसे चलाएंगे। देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया है, थोड़ा और घी डाल दिया है, क्योंकि घी से ही साग का स्वाद बहुत ही अच्छा और टेस्टी आता है। तो मेरा साग 2 से 3 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। बनके रेडी हो चुका है। तो देखिए देखिए कितना स्वादिष्ट साग बनके मेरा रेडी हो चुका है। चलिए अब हम अपने मक्के की रोटी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए, इधर मेरे पास मक्के का आटा है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल लूँगी, और मैंने थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि मक्के का आटा गर्म पानी से ही सनता है तो अच्छा लगता है। और इसमें मैं थोड़ा 1 चम्मच घी भी डाल दूंगी, ताकि मॉइस्चर बना रहे हमारे साग में। तो देखिए अच्छे से इसे, अब हम गर्म पानी हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर करके आराम आराम से अच्छे से मुलायम से गूंथेंगे। तो इधर देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैं चम्मच की सहायता से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद से हाथों से जब ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मसल मसल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए मेरा आटा लग के रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी वो नहीं, बिल्कुल भी लम्स नहीं आ रहे हैं अच्छे से। देखिए टूटने पे भी नहीं टूट रहा है, इससे पता चलता है कि मेरा आटा बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रोटियों को। मैं तो पराठे बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर में सब लोग पराठे ही खाते हैं, रोटी अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो चलिए देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम गेहूं के आटे की रोटी जैसे ही बेल के दिखाऊंगी, कहीं से भी फट नहीं रहा ना ही टूट रहा है, बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से मैं बेल के इसे अच्छे से, देखिए कहीं से भी आप लोगों के सामने कहीं से भी फट नहीं रहा है। अब इसे अच्छे से मैं तवे पर डाल दूँगी और अच्छे से दोनों तरफ से तेल लगा के और अच्छे से इसे सेक लूँगी। ऐसे ही मैं अपने सारे पराठे बना लूँगी।
ये मेरे सारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो इधर है मेरे सरसों का साग जो मिक्स बनाया है मैंने, और इधर मेरी मक्के की रोटियाँ हैं घी लगा के गरम गरम, और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और मैंने इसके साथ थोड़ा सा गुड़ और हरी मिर्च भी ली है। अगर मूली हो तो आप मूली भी ले सकते हैं, जिससे कि स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।